हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम बाइट। एग्जाम बाइट के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इंडिपेंडेंस डे का दिन है, बहुत ही शुभ दिन है। इस दिन को सेलिब्रेट करते हुए एग्जाम बाइट की ओर से एक छोटा सा राजगान पहले हम आपको प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद फाइनेंशियल अवेयरनेस का जो हमारी सीरीज है एग्जाम बूस्टर, हम उसको शुरुआत करेंगे। इस सेशन को इंजॉय कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और रेलवे और सभी प्रकार के एग्जाम्स के लिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट करंट और फाइनेंशियल का डेटा आपको लगातार प्रोवाइड किया जाता है। बहुत जल्द सीरीज में हम आपके सामने कुछ चेंजेस लाने जा रहे हैं, जिसमें हम आपके लिए प्रॉपर तरीके से जो बैंक का जो कोर्सेज है उसे प्रॉपर वे में यहाँ पर डिस्क्राइब भी करना शुरू करेंगे लेसन वाइज। ठीक है, एंजॉय करें। देश का हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा अभियान पूरे देश ने बहुत अच्छे सेलिब्रेट किया। साथियों, सुंदर्स की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे कि आज का जो सेशन है हमारा फाइनेंशियल अवेयरनेस के ऊपर, आज हम इस सेशन को शुरू करने जा रहे हैं। सेशन का नाम है एग्जाम बूस्टर। जो लोग चैनल पे अभी आए हैं, प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। इंपॉर्टेंट सेशन है बैंक एसएससी एग्जाम के लिए, खासतौर पर बैंक प्रमोशन एग्जाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं हमारे साथी, आरआरबी ऑफिस स्केल की तैयारी कर रहे हैं जो साथी हमारे, वो इस सेशन को जरूर इंजॉय करें, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की पूर्ण संभावना रहती है। सर, शुरू करते हैं सेशन के लिए। तो सेशन का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वॉन बेस्ट ग्रोथ परफॉर्मेंस अवार्ड एट डून एंड ब्रिटिश स्ट्रीट 22nd एडिशन ऑफ इंडिया टॉप 500 कंपनीज कॉर्पोरेट अवार्ड्स। निम्न में से किसने डन इन ब्रिटिश स्ट्रीट के 22वें संस्करण इंडिया टॉप 500 कंपनीज कॉर्पोरेट अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ विकास प्रदर्शन हेतु पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए मनप्पुरम फाइनेंस ने, बजाज फिनसर्व ने, मुथूट फाइनेंस ने या फिर एचडीएफसी बैंक फाइनेंस ने। एक क्वेश्चन, चार ऑप्शन, 10 सेकंड का समय। आप अपना आंसर चैट बॉक्स में लगा सकते हैं। देखते हैं सबसे तेज आंसर किसका आता है। सही आंसर है मुथूट फाइनेंस, बिल्कुल सही आंसर पर। मुथूट फाइनेंस लार्जेस्ट गोल्ड लोन एनबीएफसी कंपनी है। विन डून एंड ब्रिटिश स्ट्रीट बेस्ट ग्रोथ परफॉर्मेंस अवार्ड, मुथूट फाइनेंस एज बिगेस्ट द बेस्ट ग्रोथ परफॉर्मर अवार्ड एट डून एंड द ब्रिटिश स्ट्रीट 22nd एडिशन ऑफ द इंडियाज टॉप 500 कंपनीज कॉर्पोरेट अवार्ड, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है मुथूट फाइनेंस का, ये कोच्चि केरला में, इसको भी ध्यान रखिएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर यह रहा, इन वट इज इंडिया रैंक इन द लिस्ट ऑफ द टॉप 20 ग्लोबल इकोनॉमी फॉर द डिजिटल करेंसी ओनरशिप, डिजिटल मुद्रा स्वामित्व के लिए शीर्ष 20 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की सूची में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन ए 3rd, 5th, 7th या फिर 9th, 10th आंसर। सही आंसर है 7th, ध्यान रखिएगा। अकॉर्डिंग टू द यूएन यूनाइटेड नेशन, ओवर 7.3% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन ऑन डिजिटल करेंसी इन द 2021 रैंक 7th इन द
list of top 20 global economy for the digital currency ownership as shared of the population. This use of the cryptocurrency rose globally at an unprecedented rate during the COVID-19 pandemic. ध्यान रखना, जो डिजिटल मुद्रा स्वामित्व के मामले में 20 वैश्विक अर्थव्यवस्था की सूची में भारत का स्थान जो है सातवां है, लेकिन जो टॉप 6 देश से ऊपर है उनके नाम याद रखिएगा, यूक्रेन, रशिया, वेनेजुएला, सिंगापुर, केनिया और यूएस। ये लिखे हैं आपकी उनकी कुल पॉपुलेशन का कितना परसेंट लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। सब डिजिटल मुद्रा स्वामित्व के मामले में दुनिया में शीर्ष पर कौन सा देश है, वह यूक्रेन। और भारत की 7.3 पॉपुलेशन जो है वो ऑन अपनी डिजिटल करेंसी का यूज़ कर रही है 2021 से सर, तो इसमें रैंक है हमारी 7। यार क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस मिनिस्ट्री नोटिफिकेशन, एनी सिटीजन हु इज और हैज बीन इनकम टैक्स पेयर शैल नॉट बी एलिजिबल टू ज्वाइन अटल पेंशन योजना। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार कोई भी नागरिक जो आयकर दाता है या रहा है वह अटल पेंशन योजना में शामिल होने का पात्र नहीं होगा। ऑप्शन ए 1 सितंबर 2022 से, 1 अक्टूबर 2022 से, या 1 नवंबर 2022 से, या 1 जनवरी 2023 के बाद से। 10 सेकंड आंसर के लिए सर। आंसर है 1 अक्टूबर 2022। ध्यान की गई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा कोई भी व्यक्ति या ऐसा कोई भी नागरिक जो आयकर दे चुका है या दे रहा है वो अटल पेंशन योजना में शामिल होने का पात्र नहीं होगा 1 अक्टूबर 2022 से सर। देखिए फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022 जो लोग चैनल पर अभी आए हैं प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है सर ये, नॉलेज का सफर एग्जाम बाइट पर कंटिन्यू चलता रहता है, तो लगातार इस सेशन का एंजॉय करें, मजा लें, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है सर। फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022 एनी सिटीजन हु इज और हैज बीन एन इनकम टैक्स पेयर शैल नॉट बी एलिजिबल टू ज्वाइन APY। द फाइनेंस मिनिस्ट्री सेड इट अ नोटिफिकेशन, द मिनिस्ट्री हैज मॉडिफाइड इट्स अर्लियर नोटिफिकेशन ऑन APY फ्रॉम 1/10/2022 इनकम टैक्स पेयर शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर ज्वाइन द APY। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, जो APY योजना है ये सबसे पहले भारत में लॉन्च हुआ था 9 मई 2015 को, ध्यान ना भारत सरकार ने इसको लॉन्च किया था, लेकिन जो ये एक तरह से इन्फोर्स्ड हुआ है ये हुआ है जून 2015 से, यानी स्कीम लॉन्च हुई थी 9 मई 2015 को, लेकिन जो एक तरह से लागू हुई है वो 1 जून 2015 से लागू हुई है देश में, उसके बाद स्कीम लगातार चल रही है। और नया चेंज इसमें ये आने जा रहा है 1 अक्टूबर 2022 से कि 1 अक्टूबर 2022 के बाद जो लोग भी पे इनकम टैक्स पे करते हैं या कर रहे हैं तो उन लोगों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। इन अगस्त 2022 RBI कैंसिल लाइसेंस ऑफ रुपी कोऑपरेटिव बैंक बैंक इज बेस्ड इन। अगस्त 2022 में RBI ने रुपया सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। रुपया सहकारी बैंक कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए है पुणे में, भोपाल में, कानपुर में या फिर चेन्नई में। जो लोग जानते हैं आंसर वो चैट बॉक्स में आंसर लगा सकते हैं। 10 सेकंड समय आंसर के लिए बताएं। सही आंसर है पुणे। देखिए द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टुडे अनाउंस दैट इट हैज कैंसिल्ड द लाइसेंस ऑफ पुणे बेस्ड रुपे कोऑपरेटिव बैंक ऑर्डरिंग इट्स द सीज बैंकिंग ऑपरेशन फ्रॉम September 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल ये रहा। हाउ मेनी पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर हैव बीन रीनोमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ RBI इन अगस्त 2022 में RBI के केंद्रीय बोर्ड में सरकार द्वारा कितने अंशकालिक और गैर अधिकारिक निदेशकों को फिर से नॉमिनेट किया गया है? ऑप्शन ए 10, 7, 2 या फिर 4। 10 सेकंड आंसर के लिए। 10 सेकंड जो लोग ऑफलाइन क्लास मुझसे पढ़ते हैं उनको अच्छे से पता है इसका आंसर। सही आंसर है 4, बिल्कुल सही। देखिए 4 कौन कौन से, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज अपॉइंटेड एज अ मिसेस रेवती अय्यर एंड द प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई आपके एग्जाम के लिए ध्यान रखना सर। सतीश काशीनाथ मराठे एंड द स्वामीनाथन गुरुमूर्ति एज अ पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर ए फर्दर पीरियड ऑफ फोर ईयर्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर प्रेजेंट टेन्योर ऑन September 18, 2022 और अंटिल फर्दर ऑर्डर विच यू अर्लियर। जो भी पहले होगा उसके हिसाब से।
तो केंद्रीय बोर्ड में सरकार द्वारा चार अंशकालीन गैर अधिकारी शिक्षकों को नॉमिनेट किया गया। इन चारों के नाम आपको पता चाहिए, एम मिसेज रेवती अय्यर एंड द प्रोफेसर सचिन मात चतुर्वेदी, सतीश काशीनाथ मराठे एंड द स्वामीनाथन गुरुमूर्ति सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर यह रहा, व्हाट इज द नेम ऑफ द क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज दैट हैज लॉन्च वेब 3.0 डिस्कवरी फंड? उस क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज का नाम क्या है जिसने वेब 3.0 डिस्कवरी फंड लॉन्च किया है? ऑप्शन ए Coinbase, ऑप्शन बी वज्रएक्स, ऑप्शन सी कॉइन स्विच या ऑप्शन डी है कॉइन डीसीएक्स। 10 सेकंड आंसर के लिए। सही आंसर कॉइन स्विच। जिन लोगों ने आंसर लगाया उनको बधाई, बहुत अच्छे। जो लोग चैनल पर अभी आए प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले सर। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइन स्विच हैज लॉन्च वेब 3.0 डिस्कवरी फंड इट्स कॉर्पोरेट वेंचर कैपिटल इनिशिएटिव। द कंपनी प्लान टू इन्वेस्ट द इंक्यूबेट्स अर्ली स्टेज स्टार्टअप दैट आर द बिल्डिंग ब्लॉकचेन सॉल्यूशन फॉर द वेब 3.0 लैंडस्केप। नेक्स्ट क्वेश्चन सी बढ़िया रहा, एज पर कैग रिपोर्ट एग्रीगेट लॉस ऑफ ऑल पीएसयू इंश्योरर वाज डैश इन द हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टफोलियो इन द लास्ट 5 ईयर। सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में स्वास्थ्य बीमा पोर्टफोलियो में सभी 4 पीएसयू बीमा कंपनियों का कुल नुकसान था कितना? ए इतना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 10 सेकंड आंसर के लिए। आर्टिकल 148 के तहत सीएजी एक संवैधानिक संस्था है जिसका अपॉइंटमेंट और हटाने का अधिकार शिव राष्ट्रपति को है। इसकी रिपोर्ट शिव राष्ट्रपति को सौंपी जाती है जिसने बताया है कि 4 बीमा कंपनियां स्वास्थ्य बीमा कंपनियां जो लगातार पिछले 5 साल से घाटे में हैं, तो इनका घाटा कुल कितना हो चुका है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन सही आंसर है ऑप्शन सी, 26,364 करोड़ रुपये का। देखिए पीएसयू जनरल इंश्योरेंस बुक 26,364 करोड़ लॉस फॉर हेल्थ पोर्टफोलियो इन द लास्ट 5 ईयर्स रिप्रेजेंटेशनल इमेज ऑल फॉर पब्लिक सेक्टर इंश्योरर इन क्योर्ड लॉसेज ऑफ द 26,364 करोड़ इन द हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टफोलियो फॉर द लास्ट 5 ईयर ड्यू टू हायर क्लेम इन ग्रुप पॉलिसीज अ कैग रिपोर्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंबल ये रहा, हाउ मेनी डायरेक्टर आर देयर करंटली ऑन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई एज ऑफ अगस्त 2022? अगस्त 2022 तक आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में वर्तमान में कितने डायरेक्टर हैं? डायरेक्टर जानना सिर्फ डायरेक्टर पूछा गया सर। ऑप्शन है 10, 11, 12 या 13। 10 सेकंड आंसर। टोटल डायरेक्टर पूछा गया है, सही आंसर है 13। करंटली देयर आर 13 डायरेक्टर्स अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अरे भाई देखिए, जो आरबीआई का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, आरबीआई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मेंबर होते हैं 21, याद रखिएगा। एक होता है गवर्नर, 4 होते हैं डेप्टी गवर्नर, है ना। ये लोग कौन होते हैं? ये होते हैं ऑफिशियल मेंबर, ऑफिशियल मेंबर्स, ठीक है। और इनका टेन्योर होता है 3 इयर्स एंड अबव, ठीक है, 3 साल मिनिमम कार्यकाल होता है गवर्नर डेप्टी गवर्नर का। इसका 4 होते हैं लोकल बोर्ड मेंबर्स, ठीक है, इनका अपन आरबीआई करता है। इसके अलावा 2 होते हैं इसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री से मेंबर और 10 होते हैं ईडी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। तो 10 के 10 का अपॉइंटमेंट कौन करती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फाइनेंस मिनिस्ट्री का अपॉइंटमेंट करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और जो लोकल बोर्ड मेंबर थे उसमें से एक मेंबर का चुनाव भी कौन करती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी टोटल हो गए 13। तो याद रखिएगा, ये होते हैं नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जिनका कार्यकाल होता है 4 वर्ष का, याद रखना 4 साल कार्यकाल होता है, ठीक है। तो 13 डायरेक्टर अपॉइंट किए जाते हैं करंटली सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ मैंडेटरी कंडीशन फॉर एनरोलमेंट ऑफ द अटल पेंशन योजना? निम्न में से कौन अटल पेंशन योजना के लिए नामांकन के लिए अनिवार्य शर्त नहीं है? ऑप्शन है द पर्सन शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। द पर्सन शुड बी बिटवीन एज 18 to 40 years ऑफ ईयर, 18 40 साल के बीच एज होनी चाहिए उसकी सर। द पर्सन शुड हैव आधार, उसका आधार कार्ड होना चाहिए। और पर्सन हैव शुड हैव ए सेविंग अकाउंट, उसका सेविंग अकाउंट भी होना चाहिए। इसमें से कौन सी इंपॉर्टेंट शर्त नहीं है सर? टेंशन में आंसर लगाएं इसका आंसर।
सही आंसर आधार कार्ड नहीं होना चाहिए। द प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेबल एप्लीकेंट में प्रोवाइड आधार एंड द मोबाइल नंबर इज दैट इज नंबर टू द बैंक ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन टू फैसिलिटेट रिसिप्ट ऑफ द पीरियोडिक अपडेट ऑफ द एपीवाई अकाउंट्स ऑफ आधार इज नॉट मैंडेटरी फॉर एनरोलमेंट। जानना लॉन्च हुआ था स्कीम जो आपकी स्कीम अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को लॉन्च हुई, मैंने बताया था आपके लिए, और ऑपरेटलाइज की गई है कब 1 जून 2015 से। ध्यानना तो ध्यानना अगर एपीवाई में आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो आपका अकाउंट नंबर हो जाए, ये जरूरी है। आपका 18-40 की एज होनी चाहिए और जो पर्सन है वो इंडिया का नागरिक हो, ठीक है, ये जरूरी है। लेकिन आधार हो ना हो इसका फर्क नहीं पड़ता, ये मैंडेटरी नहीं है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल ये रहा, रिटेल इन्फ्लेशन फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर डिक्लाइन फ्रॉम 6.97% इन द मई 2022 टू डैश इन जून 2022। औद्योगिक श्रमिकों के लिए खुदरा मुद्रित दर मई 2022 में 6.97% से घटकर जून 2022 में कितना परसेंट हो गई है? ऑप्शन ए इतना, इतना, इतना या इतना। ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने 10 सेकंड समय लगाए आंसर। सही आंसर ऑप्शन डी 6.16। देखिए रिटेल इन्फ्लेशन फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर डिक्लाइन टू 6.16% इन जून 2022 एज कंपेयर टू 6.97% इन द प्रीवियस मंथ एंड द 5.57% रिकॉर्डिंग ड्यूरिंग द क्रॉस्पॉन्डेंस मंथ लास्ट ईयर अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डेटा रिलीज ऑन सैटरडे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सिंपल ये रहा, PM मोदी recently inaugurate IFSC banking unit यानी IBU2 of which of the following bank at GIFT IFSC in Ahmedabad। PM मोदी ने हाल ही में अहमदाबाद में GIFT IFSC में निम्न में से किस बैंक की IFSC बैंकिंग यूनिट का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए बार्कले बैंक, DBS बैंक, डचेस बैंक या JP मॉर्गन क्लास चेस बैंक। 10 सेकंड आंसर। सही आंसर है ऑप्शन सी DHS बैंक। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन फ्राइडे इनॉग्रेट द IFSC बैंकिंग यूनिट IBU ऑफ डचेस बैंक AG एट द गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जिसे गिफ्ट सिटी भी बोलते हैं, इन अहमदाबाद सर, डचेस बैंक के साथ। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज कंट्रीब्यूटेड मैक्सिमम टू शेयर ऑफ द गुड एक्सपोर्ट इन द एनुअल GDP इन 2021-22? किसने 2021-22 में वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद में माल निर्यात के हिस्से में अधिकतम योगदान दिया है? ऑप्शन ए ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग गुड्स, ऑर्गेनिक इनग्रीडिएंट केमिकल्स या जेम्स एंड ज्वेलरी। 10 सेकंड आंसर। जो लोग क्वेश्चन का आंसर जानते हैं वो चैट बॉक्स में बता सकते हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा सर। सही आंसर इंजीनियरिंग गुड्स। देखिए जो लोग चैनल पर भी आए हैं प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। द शेयर ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन GDP हैज ग्रो फ्रॉम 80.7% इन द 2021 टू 21.4% इन द 2021-22। इंजीनियरिंग गुड्स वेयर फॉलोड बाय द पेट्रोलियम प्रोडक्ट 22.13%, जेम्स एंड ज्वेलरी 1.23%, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल 0.83% एंड ड्रग एंड द फार्मास्यूटिकल्स 0.78%। तो ये इनका कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे एक्सपोर्ट्स के अंदर। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ शेयर गुड्स एक्सपोर्ट्स का यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन उसको बताया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, रिसेंटली अगस्ते तानोकोमे हैज बीन अपॉइंटेड एज अ कंट्री डायरेक्टर ऑफ डैश फॉर इंडिया विद इफेक्टिव फ्रॉम 1 अगस्त 2022। हाल ही में अगस्ते तानोकोमे को 1 अगस्त 2022 से भारत के लिए डैश के कंट्री डायरेक्टर में नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक के लिए, WTO के लिए, IMF के लिए या WEF के लिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लिए। लगा इसका आंसर, 10 सेकंड में इसका आंसर मिलेगा। सही आंसर है वर्ल्ड बैंक, बिल्कुल सही। यहां पर अगस्ते तानोकोमे इज द वर्ल्ड बैंक कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया इफेक्टिव टुडे, ही रिप्लेस जुनेद कमल अहमद हु रिसेंटली कम्प्लीट अ 5-year टर्म्स के लिए। ठीक है, उनको जगह पर आए जुनेद कमल अहमद की जगह पर अपॉइंट किए गए हैं कंट्री डायरेक्टर ऑफ इंडिया ग्रुप में वर्ल्ड बैंक की ओर से। इनका नाम है अगस्ते तानोकोमे।
वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट का नाम आपको चैट बॉक्स में बताना है कि प्रेसिडेंट में वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कहाँ हैं और प्रेसिडेंट का नाम क्या है, उनका नाम क्या आपको बताना है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये भी आपको चैट बॉक्स में बताना है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, ई इनवॉइसिंग विल बी कंपल्सरी फॉर बिजनेस विद एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ ओवर 10 करोड़ फ्रॉम डैश डैश से 10 करोड़ से अधिक के कुल कारोबार वाले व्यवसायों के लिए ई चालान अनिवार्य होगा। ऑप्शन ए 1 सितंबर 2022 से, 1 जनवरी 2023 से, 1 अक्टूबर 2022 से या 1 दिसंबर 2022 से। 10 सेकंड में आंसर। टाइम अप। सही आंसर है 1 अक्टूबर 2022 से सर। द सेंटर हैज मेड ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी फॉर द बिजनेस विद एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीडिंग रुपीज 10 करोड़ फ्रॉम 1 अक्टूबर, अ मूव विच विल फर्दर प्लग इन द रेवेन्यू लीकेज एंड विल बी इंश्योर्ड बेटर टैक्स कंप्लेंस फ्रॉम बिजनेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर यह रहा, वाट हैव बीन द वैल्यू ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई एंड द सर्विस पीएमआई फॉर जुलाई 2022। जुलाई 2022 के लिए पीएमआई और सेवाओं पीएमआई के निर्माण के मूल्य क्या रहे। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 10 सेकंड आंसर के लिए दगाइश का आंसर सर। टाइम अप। सही आंसर ऑप्शन सी 56.4 एंड द 55.5। देखिए पीएमआई की अगर यहां पर बात किया जाए तो पीएमआई की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जाती है कि पीएमआई की फुल फॉर्म क्या। सर्वियों का मतलब होता है परचेस मैनेजर इंडेक्स, पीएमआई मींस होता है परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स, इसे बोलते हैं पीएमआई। ठीक है सर, तो इसका सही आंसर 56.4 एंड 55.5%। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई इंक्रीज फ्रॉम 53.9 इन जून 2022 टू 8 मंथ हाई लेवल ऑफ द 56.4%। तो पहले 53% पे थी जून 2022 तक और 8 महीने के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पहुंच गई है जुलाई के अंदर। ये जुलाई से देना, यह जुलाई 2022 में कितनी हो गई 56.4। सर्विस पीएमआई की बात करते हैं, हैज डिक्लाइन फ्रॉम द 59.2 इन जून 2022 टू 4 मंथ लो, 4 महीने के लिए लो पर, यानी 55.9% पहुंच गई। तो सर्विस पीएमआई गिरी है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई बढ़ी है सर। तो उसी रेशियो को यहां पर दिखाया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर यह रहा, जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन फॉर जुलाई 2022 इज डैश हायर देन द रेवेन्यू इन जुलाई 2021। जुलाई 2022 के लिए जीएसटी राजस्व संग्रह जुलाई 2021 में राजस्व से कितना अधिक है। ऑप्शन ए 22%, 25%, 28% या भी 32%। 10 सेकंड आंसर के लिए देखते हैं सबसे तेज सबसे जल्दी आंसर किसका आता है। सही आंसर ऑप्शन सी 28% देना। द रेवेन्यू फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2022 आर 28% हायर देन द जीएसटी रेवेन्यू इन द सेम मंथ लास्ट ईयर ऑफ रुपीज 116,393 करोड़। तो 1,16,000 करोड़ का पिछले साल कलेक्शन था जो कि इस बार बढ़कर के 28% ज्यादा हो गया है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर यह रहा, द वैल्यू ऑफ आर बी आई फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स इन फाइन डेज बोलते इसको, इम्प्रूव फ्रॉम 53.9 इन मार्च 2021 टू डैश इन मार्च 2022। आर बी की वित्तीय समावेशन सूचकांक का मूल्य मार्च 2021 में 53.9% से बढ़कर मार्च 2022 में कितना हो गया। ऑप्शन ए इतना हो गया है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी कितना हो गया है। 10 सेकंड आंसर। ये तो है बड़ा तो है पर कितना बड़ा है। सही आंसर है आपका 57.4%। तो यहां पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 53.9% से बढ़कर 56.4 हो चुका है मार्च 2022 में सर। जो लोग चैनल पर अभी आए प्लीज चैनल को लाइक जरूर कर दीजिए, प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, इसका फायदा सभी लोगों को मिलना चाहिए सर। आरबीआई सेड दैट इंडियाज फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31, 2022 इंप्रूव्ड टू 56.4 53.9 इन द प्रीवियस ईयर विद द इंडेक्स शोइंग ग्रोथ अक्रॉस ऑल द सब इंडिकेट्स इंडिकेट्स द सेंट्रल बैंक सेड इन अ प्रेस रिलीज द इंडेक्स इज पब्लिक एनुअल जुलाई 2022।
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, आपसे पूछ सकता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स को हर साल जारी किया जाता है कब? तो याद रखिएगा जुलाई मंथ में हर साल इसको जारी करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। और इस इंडेक्स में पिछले साल मार्च 2021 के कंपेरिजन में मार्च 2022 में बढ़कर कितना हो गया है? तो पिछली बार 56.9% था, इस बार हो गया 56.4 हो गया सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। रिसेंटली HDFC बैंक परिवर्तन है साइन 107.76 करोड़ MEU मेमोरी अंडरस्टैंडिंग विद विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बागची पार्थसारथी हॉस्पिटल। हाल ही में HDFC बैंक परिवर्तन ने बागची पार्थसारथी अस्पताल के निर्माण के लिए 107.76 करोड़ के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ऑप्शन ए IISc बेंगलुरु यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में, एम्स भोपाल में, IIM अहमदाबाद में, IIT दिल्ली में। टेंशन मान सर, लगाएं इसका सही आंसर। सही आंसर है ऑप्शन ए IISc बेंगलुरु, बिल्कुल सही। HDFC बैंक परिवर्तन ऑन ट्यूजडे साइन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस प्लेसिंग 107.76 करोड़ फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बागची पार्थसारथी हॉस्पिटल एट IISc बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर यह रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव रिलीज ज्वाइंट एड फॉर ट्रेड एट अ ग्लास 2022 रिपोर्ट। निम्न में से किसने एक नजर 2022 रिपोर्ट में व्यापार के लिए संयुक्त सहायता जारी की है? अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन देख लीजिए। ए वर्ल्ड बैंक एंड WTO ने, ऑप्शन बी IMF एंड वर्ल्ड बैंक ने, OECD एंड IMF ने, या WTO एंड OECD ने। टेंशन आंसर दिए, टाइम अप। सही आंसर है आपका ऑप्शन डी WTO एंड OECD। देखिए इंडिया हैज रिसीव्ड द हाईएस्ट एड द फॉर ट्रेड फ्रॉम डेवलप्ड कंट्री इन 2020। द ज्वाइंट एड फॉर अ ट्रेड एट अ ग्लास 2022 रिपोर्ट हैज बीन रिलीज बाय द WTO एंड OECD। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल ये रहा। इंडियाज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन स्टूड एट डैश इन जून 2022 में भारत का औद्योगिक उत्पादन डैश पर था कितना परसेंट पर था? ऑप्शन 6.8% पर, 7.1% पर, 12.3% पर, या 19.6% पर। 10 सेकेंड आंसर दिए, सही आंसर है 12.3%। देखिए इंडियाज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रू इन डबल डिजिट फॉर द सेकेंड मंथ कंटिन्यूसली। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन स्टूड एट द 12.3% इन जून 2022। इट इज स्टूड एट 19.6% द मई 2022, इज इट वाज 6.7% इन द अप्रैल 2022 के अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप टू प्रोवाइड इनहेंस्ड डिजिटल सर्विसेज फॉर कॉर्पोरेट क्लाइंट। निम्न में से किसने कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए उन्नत डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए साझेदारी की है? ए HDFC बैंक एंड MSWIFT, SBI एंड लैंडिंग कार्ड्स, ऑप्शन सी यस बैंक एंड द IBS फिनटेक, या फिर एक्सिस बैंक एंड द पाइन लैब्स। 10 सेकंड आंसर दिए, सही आंसर है यस बैंक एंड द IBS फिनटेक। यस बैंक एंड द IBS फिनटेक हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप, दे हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप टू प्रोवाइड इनहेंस डिजिटल सर्विस फॉर द कॉर्पोरेट क्लाइंट। यहां पर आपको चैटबॉक्स में बताना है कि यस बैंक के प्रेजेंट में जो MD है उनका नाम क्या है और इस बैंक की टैगलाइन क्या है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भी आपको बताना है सर। देखते हैं कौन बता सकता है जल्दी से आंसर, चैटबॉक्स में लिखिए जल्दी से आंसर, बताते हैं। आज इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 प्रोवाइड फॉर रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनीज। कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा कंपनी के नाम को कंपनी के रजिस्टर से हटाने का प्रावधान करती है? ऑप्शन ए सेक्शन 245, ऑप्शन बी सेक्शन 246, ऑप्शन सी सेक्शन 248, या फिर सेक्शन 247, ऑप्शन डी। 10 सेकंड आंसर के लिए,
टाइम अप, यहां पर आंसर बिल्कुल सही, और सही आंसर है 248. द कंपनी विच डज नॉट वॉन्ट टू कैरी आउट एनी बिजनेस ऑपरेशन एंड इज जस्ट बीरिंग द बर्डन ऑफ एनुअल कंप्लेंस कैन प्रोसीड विद द क्लोजर ऑफ द कंपनी थ्रू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 248 टू एंड 249 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन था आपका. इस सेशन में हमने 22 इंपॉर्टेंट जो फाइनेंशियल अवेयरनेस की न्यूज़ है उन न्यूज़ को यहाँ पर हमने कवर किया है. आई होप कि आपके जितने भी आने वाले बैंक एग्जाम्स हैं उनके लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं. आज इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर आप सभी लोगों को दोबारा से फिर से मैं स्वतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, दिल से बधाई सभी के लिए. अच्छे सेलिब्रेट कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. आपका ये प्यार लाइक एंड सब्सक्राइब ग्रुप में दिखाई देता है और नए नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है. थैंक यू वेरी मच.